वेलकम हीलिंग पर्स 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो ये आज का वीडियो है, ये है आपसे कुछ बातें जो कि मैं करना चाहती हूँ, स्पेसिफिकली उन लोगों से जो मेरे डेली एंजेलिक गाइडेंस की वीडियो से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैंने अचानक से ये वीडियो बनाना क्यों बंद कर दिया, या आप सोच रहे होंगे कि मैम का मन नहीं करता बनाने का तो इन्होंने अचानक से बंद कर दिया। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि ये मेरा मन नहीं है, मेरी मजबूरी है कि मुझे ये बंद करना पड़ा। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो से, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो आपका पूरा हक है जानने का। और इन सारी बातों को सुनने के बाद अगर आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहें, आपके रहने के लिए मैं बहुत आभारी रहूंगी। और अगर आप इस चैनल को छोड़ के जाना चाहें तो मेरी गुड विशेस हमेशा ही आपके साथ रहेंगी, क्योंकि मेरे मन में कभी किसी के लिए नफरत नहीं होती। मेरी तरफ से आपके लिए हमेशा ही गुड विशेस हैं कि आप इस, आपका जो साथ मुझे अब तक मिला है, इस चैनल को मिला है, आपका प्यार सपोर्ट मिला है, उसके लिए मैं बहुत आभारी रहूंगी हमेशा। तो आप रहना चाहें तो प्लीज जरूर रहिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आप नहीं रहना चाहें तो कभी भी आपको कोई फोर्स नहीं है, आपकी विशेस है। तो ये चैनल जो है मैंने बनाया था सितंबर 2020 में, लास्ट ईयर जब मैंने ये चैनल बनाया था, जो लोग मेरे से जुड़े हैं शुरू से उनको पता होगा, तब वीडियो पे, यूट्यूब चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर तब डेली एंजल गाइडेंस का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा हाई नहीं था। जो मुझको डेली एंजल गाइडेंस का वीडियो बनाने का की इंस्पिरेशन मिली, मुझको मिली थी जो आज तक पे तेज तारे आता था उस पर आती थी सोनल वर्मा, मुझको उनसे इंस्पिरेशन मिली थी। मैंने मन में यही सोचा कि अगर मुझे कोई वीडियो बनाना ही है तो मैं हमेशा ही उनका जो प्रोग्राम था, प्रोग्राम जो उनका आता था, मैं देखती थी। तो मुझको यही इंस्पिरेशन मिली कि मुझको यही वीडियो बनाना है ताकि मैं लोगों को डेली एंजल गाइडेंस दे सकूं या डेली मैसेजेस मैं उनको दे सकूं। ये मेरा सपना था। तो अगर कोई इंसान अपना सपना छोड़ रहा है या उसका सपना टूटा है और उसने वो काम करना बंद कर दिया, तो डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं तो चोट पहुंची है, कहीं ना कहीं तो दुख हुआ है। तो होप कि आप मेरे इस दुख को समझ पाए। मुझे किसी से सहानुभूति नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इस बात को समझें। मैं यहाँ पे आपसे सिंपैथी गेन करने के लिए कुछ भी नहीं कह रही, ना ये वीडियो बना रही। अगर आपको लगता है कि मैं सिंपैथी गेन करना चाहती हूँ तो आप इस वीडियो को इसी वक्त बंद कर सकते हैं। और अगर आप रियल में ये समझते हैं कि सपना टूटना कैसा होता है तो आप इसको जरूर सुनिएगा। जब मैंने यहाँ पे वीडियोस बनाए थे तो कोई भी डेली एंजल गाइडेंस का वीडियो नहीं बनाता था। मेरा चैनल अभी भी स्टिल ग्रोइंग फेज के अंदर है, अभी भी ये बेबी चैनल है जो कि बन रहा है ना, जो अभी भी चल रहा है, बढ़ रहा है, अभी ये बड़ा नहीं है। तो जिन लोगों के पास में, क्योंकि अब यहाँ पे वो दो लोगों में दो तरह की जनता यहाँ पर हो जाती है, एक वो जिनके पास अपने चैनल है और एक वो जिनके पास में अपने चैनल नहीं है जो पब्लिक है ना। तो कुछ लोग जिनके पास अपने चैनल है वो भी इस वीडियो को देखते हैं, और जो लोग जनता है वो भी इस वीडियो को देखती है। तो आप दोनों में से किसी भी कैटेगरी में आ सकते हैं। और कुछ लोग वो भी हैं जो कि सेम फील्ड में हैं और आगे ये देखते हैं कि आप कर क्या रहे हैं या आप बोल क्या रहे हैं। ये भी आपको पता ही है कि ऐसा होता है। हालांकि ये चीज मुझे नहीं अंदाजा था इस बात का, मुझे अंदाजा लगा तो मुझे झटका लगा तो मुझे दुख हुआ। तो मेरे लिए ये चीज बहुत नई रही और बहुत ही दुखदायक रही, बहुत ही दुख वाली रही एक्चुअली। एक स्पिरिचुअल पर्सन होने के नाते आपको बहुत सारी चीज़ें जीवन में झेलनी ही पड़ती हैं और उनको छोड़ना पड़ता है। पिछले 2-3 महीने से मैं इस चीज़ में बहुत सफ़र कर रही हूँ और आपको वीडियोस दे रही हूँ डेली एंजल गाइडेंस के। हालांकि मैं देना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं आपको दे रही हूँ। और हर दिन के साथ में जो मेरी एनर्जीज हैं मुझे सही महसूस नहीं होती, तो इसलिए अब लास्ट में मैंने डिसाइड किया कि मैं डेली एंजल गाइडेंस का वीडियो नहीं बनाऊंगी। और उसके पीछे कारण ये रहा कि जब मैंने स्टार्ट किया था बनाना तो उस टाइम पीरियड में कोई भी नहीं डालता था इस वीडियो को। और जो लोग चैनल वाले हैं उनको ये पता है, अब जो लोग आम हैं, आप जो लोग पब्लिक है उसको नहीं पता होगा। जब हम कोई एक चैनल बनाते हैं तो ये बात, जो पब्लिक है यहाँ पे उसको चंद बातें यहाँ पे नहीं पता होंगी। पहले ये बात उन लोगों के लिए है जिनके चैनल नहीं है, जो खाली वीडियोस को देखते हैं। जब हम एक चैनल बनाते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। जब आप एक वीडियो भी तैयार करते हैं, अगर ये वीडियो भी मैं आपको दे रही हूँ या फिर मैं अपलोड कर रही हूँ जो आप सुन रहे हैं, तो इसके पीछे भी मुझे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। टेक्निकल चीज़ें बहुत होती हैं। अगर एक 10 मिनट का भी वीडियो है तो उसमें आधा घंटा लगता है उसको तैयार करने में। 2 घंटे का वीडियो है तो उसको 4 घंटे लगते हैं एडिट करके तैयार करने में। 1 घंटे का वीडियो है तो उसमें 2 से 3 घंटे आपके चले जाते हैं उसको प्रॉपर तैयार करके आपको देने में। और फिर उसको आप डिसलाइक भी करते हैं, उसमें आप कमेंट भी नहीं करते या उसको आप लाइक नहीं करते। जो कुछ भी है, ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही, ये मैं सभी के बारे में कह रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं टेक्निकल एक वीडियो को तैयार करने में। तो जब वो वीडियो तैयार किया जाता है तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है चैनल के टैग्स।
सर्च फील्ड में डालने के लिए आपको उस चैनल पे टैग लगाने पड़ते हैं। ये बहुत सारे ऐसे टैग्स होते हैं जो कि आपको सर्च ऑप्शन से मिल जाते हैं और आप उसको लगाते हैं। तो जो लोग पब्लिक है उनको तो ये नहीं पता होगा। तो इस तरह से जब आप लिखते हैं डेली एंजल गाइडेंस और उसमें जो वीडियोस आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं टैग लगे होते हैं, तभी आप उन वीडियोस को वहां पर देख पाते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के लिए हो, चाहे आपकी लव लाइफ के लिए हो, या फिर आपकी लाइफ के किसी भी अदर एरिया के लिए हो। तो टैग लगाने मस्ट होते हैं, जरूरी होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जिस टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर वहां पर वीडियो आए या दिखाई दे। तो जब मैं ये वीडियो बनाती थी, इसी तरह से जो चैनल वाले होते हैं उनके पास में एक ऑप्शन और होता है, वो होता है एनालिटिक्स का। एनालिटिक्स में आपको पता चलता है कि कितने लोगों ने आपका वीडियो एक घंटे में देखा, कितने लोगों ने पिछले महीने में देखा, लाइफ टाइम में कितने लोगों ने देखा, या फिर कौन सी एज ग्रुप के लोग देख रहे हैं, कितने सब्सक्राइब लोगों ने देखा, कितने अनसब्सक्राइब लोगों ने देखा, कौन आपके जो व्यूवर्स हैं या जो लोग आपका चैनल देखते हैं वो लोग कौन से अदर चैनल देखते हैं, किस तरह के वीडियोज देखते हैं, ये सब कुछ एनालिटिक्स के अंदर होता है। तो जब मैंने इस वीडियो को बनाया और मेरे ये वीडियोस चलने ही लगे थे, तो उस टाइम पीरियड में क्योंकि जब अदर चैनल वालों ने ये देखा कि उनके जो व्यूअर्स हैं वो कौन से वीडियो देखते हैं, तो उसमें डेफिनेटली डेली एंजल गाइडेंस का ये वीडियो किया, तो उन लोगों के पास में क्योंकि सब्सक्राइबर बेस था और वो बड़े चैनल वाले थे, तो उन्होंने बहुत जल्दी इस टॉपिक पर वीडियो बनाने शुरू कर दिए। उनको बेस मिलेगा क्योंकि उनकी जो सब्सक्राइबर वाले लोग हैं उनको नई चीज मिली, और यहाँ पर जो वो लोग थे उनको नया वीडियो बनाने का कॉन्सेप्ट मिला। तो बिना किसी थैंक यू नोट के उन्होंने ये कॉन्सेप्ट चुरा लिया और इस पर वीडियो बनाने शुरू कर दिए। डेफिनेटली मैं इसको यही कहूंगी कि चुरा लिया, क्योंकि इस वीडियो के इस वाले कॉन्सेप्ट पे कोई भी वीडियो नहीं बनाता था या बहुत ही ना के बराबर थे। तो ये जो आया है चलन के अंदर, ये मेरे वीडियो बनाने के बाद ही आया है। मुझे इसको कहने में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती क्योंकि यही रियलिटी है। मेरे चैनल के वीडियो रैंक नहीं करे या नहीं करते क्योंकि मेरे पास उतना सब्सक्राइबर बेस अभी नहीं है। मेरा चैनल जो है अभी बेबी फेज के अंदर है और उससे ग्रो कर रहा है। तो जिनके पास में 40-45 हज़ार, जिनके पास लाख 2 लाख सब्सक्राइबर है, उनका चैनल ही रैंक करेगा, उनका वीडियो ही रैंक करेगा, मेरा कैसे कर सकता है ना। तो यहाँ पर जो द्विधा हुई वो ये हुई कि इस तरह से मेरे जो चैनल जो मेरा वीडियोस थे उन पे व्यूज नहीं आए, तो उसमें ग्रोथ भी नहीं हुई। और बाकी जो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन वीडियोस नहीं देखते, वीडियोस देखते हैं तो उस पर लाइक या कमेंट नहीं करते, यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये समझ में नहीं आता कि आपका वीडियो देखने लायक भी है या नहीं। तो जब तक आप चैनल पे लाइक कमेंट नहीं करते हैं, एल्गोरिदम इस बात को नहीं समझता और वीडियोस को आगे नहीं भेजता। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई क्योंकि लोग वीडियोस देख लेते हैं और लाइक कमेंट नहीं करते, जो वीडियोस हैं आगे नहीं जाते। तो बहुत सारे अच्छे वीडियोस भी इस तरह से रह जाते हैं वहीं के वहीं, और बहुत सारे वो वीडियोस चल जाते हैं जो कि बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, और टॉक्सिक होते हैं ये आप भी जानते हैं। तो इस तरह से चलते चलते एक दिन ऐसी घटना हुई, क्योंकि मैं तो यूट्यूब के वीडियोस नहीं देखती हूँ, मेरी आदत नहीं है यूट्यूब पर अपना समय खराब करने की। मैं बहुत ही काम के वीडियोस देखती हूँ, मेडिटेशन के वीडियोस देखती हूँ, या कोई इस तरह के वीडियोस देखती हूँ जो कि या तो फनी होते हैं या फिर मोटिवेशनल होते हैं। मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स के वीडियोस नहीं देखती क्योंकि मुझे पता है मुझे जो भी ज्ञान चाहिए वो मुझे ऊपर से मिल जाएगा। और इस वजह से ही ये मैंने चैनल बनाया था कि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं, उन लोगों की ग्रोथ में हेल्प कर सकूं जो कि स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने मेरे चैनल पे लव लाइफ के ऊपर बिल्कुल भी कोई वीडियो नहीं देखा होगा। शुरुआती दौर में मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे, लेकिन उसके बाद मुझे समझ में आ गया मैं इस टॉक्सिक एनर्जीज को आगे नहीं बढ़ा सकती क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आपकी स्पिरिचुअलिटी में हेल्प करना, वो मेरे सोल मिशन को सूट नहीं करता। तो मैंने उस तरह के वीडियोस 3-4 वीडियोस के बाद में मैंने वो वीडियोस नहीं बनाए और ना ही मैं कभी बनाऊंगी क्योंकि मुझे वो एनर्जी सूट नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में लव नहीं है, मेरी लाइफ में बाय गॉड ग्रेस बहुत लव है, लेकिन मुझे उस तरह के वीडियोस बना के लोगों को भटकाना पसंद नहीं है। तो एक दिन मेरे सामने डेली एंजलिक गाइडेंस का एक वीडियो आया। मैं उस वो वीडियो मेरे सामने एक महीने से लगातार आता जा रहा था, लेकिन मैं कभी देखती नहीं हूँ, तो मैंने उस वीडियो को हमेशा ही इग्नोर किया। मैंने देखा कि लोग बना रहे हैं, क्योंकि तब तक तो मैं देख ही चुकी थी कि लोग बना रहे हैं क्योंकि सामने आता है, आपको जो यूट्यूब है वो सजेस्ट करता रहता है। तो जब एक दिन मेरे मन में आया कि मैं सबको डेली एंजल गाइडेंस देती हूँ, तो आज मैं भी डेली एंजल गाइडेंस ले लेती हूँ, देखती हूँ कि क्या मेरे लिए मैसेज आता है। तो मैंने जब उस वीडियो को खोला और जब मैंने उन मोहतरमा की बात सुनी, तो उसके अंदर उन्होंने बहुत ही आराम से और बहुत ही सुविधाजनक तरीके से मेरे ही शब्दों का प्रयोग किया हुआ था,
जो कि मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ और जो लोग मेरे वीडियो से जुड़े हैं उनको पता है कि ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में रहना चाहिए, आभार प्रकट करते रहना चाहिए, क्योंकि आभार प्रकट करते रहने से आपके जीवन में वो अवसर आते हैं जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो उन्होंने बहुत ही आराम से मेरे इन शब्दों का इस्तेमाल कर रखा था, मेरा शब्दकोश जो है बहुत कम है। तो जैसे ही उन्होंने ये वर्ड्स बोले रीडिंग के अंदर अपनी, मुझे उसी वक्त ये महसूस हुआ कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ है मेरे साथ। मैंने उसी वक्त उनका जो टैग है वो चेक किए, और जब मैंने टैग उनके चेक किए और मैंने फिर उनके अदर मंथ के जो अदर उनके पुराने वीडियो थे, जब मैंने उनके टैग चेक किए तो उन्होंने सिलसिलेवार महीने दो महीने से बकायदा मेरे सारे टैग यूज़ किए थे। जिस जगह पर मैं जो लिखती थी उन्होंने वो लिख रखा था बकायदा मेरे चैनल के नेम के साथ। और मैं बार बार यही सोचती थी कि मेरे चैनल पे व्यू आने कम क्यों हो गए, मेरे चैनल पे व्यूज आने कम क्यों हो गए, मेरे चैनल पे व्यूज क्यों नहीं आ रहे। वो इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि जिस जगह पे मेरे वीडियोस को रैंक करना था वहां पर उनका वीडियो रैंक कर रहा था, क्योंकि उनकी सब्सक्राइबर बेस जो थी वो ज्यादा थी। यहां तक कि जो मेरा चैनल का नेम है उन्होंने वो भी यूज कर रखा था। मैंने उसी वक्त उनको कमेंट बॉक्स में ये बोला कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कॉपीराइट क्लेम ना दूं तो जो मेरे चैनल का नाम है वो आप अपने टैग से हटाइए, वरना मैं आपको कॉपीराइट क्लेम दे दूंगी। उन्होंने उसी वक्त मुझको ब्लॉक कर दिया कमेंट सेक्शन से, और उसी वक्त उन्होंने जितने भी टैग में मेरा नाम लिख रखा था उन्होंने सब जगह से उसको डिलीट कर दिया। लेकिन एक सबसे अच्छी सुविधा है हमारे स्मार्टफोन में, वो है स्क्रीनशॉट की। तो मेरे पास आज भी उस चैनल का, और उसके बाद उन्होंने सिर्फ मेरा ही चैनल, ये नहीं कि उन्होंने मेरे ही चैनल का जो टैग है यूज़ किया, मेरे चैनल का टैग यूज़ कर लेने के बाद में उन्होंने जो दूसरे डेली एंजल गाइडेंस की वीडियो बनाते थे उन्होंने उसका टैग यूज़ करना शुरू किया, और अभी भी वो लगातार अपने चैनल्स में अदर वीडियोज़ में भी अदर चैनल के नेम यूज़ कर रही हैं, जिसका स्क्रीनशॉट मेरे पास में है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब अगर मुझे कोई भी चीज़ अपने सर से ऊपर लगेगी, मैं बाकायदा चैनल के नेम्स के साथ में जो भी दो तीन चैनल और हैं सबके साथ यही कहानी हुई, और सब लोगों ने मेरे चैनल का नाम, जो कि बहुत ही छोटा चैनल है जिसकी मैं ग्रोथ कर रही हूँ, उन्होंने उसका नाम यूज़ कर रखा था। तो बहुत ही, क्या बोलना चाहिए मुझे नहीं पता, कि बहुत ही अजीब बात लगी मुझको कि अगर आपके इतने हजारों हजारों सब्सक्राइबर होने के बाद भी आपको मेरे चैनल का नेम यूज़ करना पड़ रहा है, अगर आपको मेरे चैनल का कॉन्सेप्ट चुराना पड़ रहा है, तो इससे ज़्यादा तो अफसोस की बात और कोई हो नहीं सकती। और उसके बाद फिर आप स्पिरिचुअलिटी के ऊपर अगर वीडियोज़ डालते हैं या आप लोगों को गाइड करने के लिए वीडियो डालते हैं तो आप किस तरह के इंसान हैं मैं नहीं जानती। तो ये सारा जो अंतर्द्वंद था, बात को बहुत लंबा ना खींचते हुए, ये सारा जो अंतर्द्वंद था इसने मेरे मन को बहुत दुखी किया कि चोरी हुई, क्योंकि ये मेरा सपना था, इस वीडियो को बनाना, डेली एंजल गाइडेंस की वीडियो को बनाना मेरा सपना था, और मेरा सपना बहुत सारे लोगों ने चुरा लिया। तो अगर आपको ये लगता है कि मैं सिंपैथी सुनने के लिए, आपसे सिंपैथी लेने के लिए आपको ये बात बोल रही हूँ, नहीं, मुझे किसी की सिंपैथी की नीड नहीं है, मुझे आपके सपोर्ट की नीड है। तो अगर आप अपना सपोर्ट मुझे देना चाहते हैं तो जरूर इस चैनल से जुड़े रहिएगा, और अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप लाइफ में जहां भी रहें अपनी चॉइसेस हमेशा देखिएगा कि आप किस तरह के लोगों से मैसेजेस ले रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में चॉइसेस क्या है, या फिर आप लाइफ में किस तरह के लोगों से जुड़ रहे हैं। जैसे कहते हैं कि एक इंसान अपनी संगत से ही पहचाना जाता है, तो अपनी संगत जरूर देखिएगा कि किस तरह के लोगों से आप गाइडेंस लेते हैं, आप क्या देखते हैं, क्या लेते हैं, क्या महसूस करते हैं, जीवन में क्या इंप्लीमेंट करते हैं। तो जब ये सब चीज़ें चली तो पिछले दो महीने से मैं बहुत परेशान थी, और मैं डेली एंजल गाइडेंस का वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, जबकि मैं पिछले एक साल से आप लोगों को बिना रुके डेली एंजल गाइडेंस का वीडियो दे रही हूँ। बहुत मुश्किल से शायद मैंने पूरे साल में एक या दो बार ऐसा हुआ होगा जब मैं वीडियो नहीं डाल पाई। तो अब पिछले दो हफ्ते से लगातार मुझको, मेरा मन नहीं कर रहा डेली एंजल गाइडेंस का वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं लगातार आप लोगों के लिए बनाती जा रही हूँ। मैंने उसमें कॉन्सेप्ट डाला बर्थडे का, और मैंने आप लोगों से कहा भी कि अगर आपका बर्थडे है या आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो बताइएगा, या फिर उसमें मैंने आर्चेंजल राफेल का डेक ऐड किया, या फिर उसमें मैंने आपके लिए रिलेशनशिप के लिए एडवाइस ऐड की, तो आपसे मैंने कहा कि बताइए। लेकिन एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने तो बताया ही नहीं, और बहुत सारे लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा ऐड किया या नहीं किया, तो मुझको कोई भी एक्चुअली रिस्पांस नहीं मिला आप लोगों की तरफ से। बहुत ही चंद लोग हैं जो कि वीडियोस को देखते हैं मेरे और कमेंट करते हैं, तो जो लोग कमेंट करते हैं, जो लोग लाइक करते हैं, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। अगर आप एक साइलेंट वॉचर भी हैं, आप मेरा वीडियो देखिए या किसी और का, मैं अगेन आपसे कहूंगी एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक 15 मिनट का ये वीडियो भी जो आप देख रही हैं, इस वीडियो को बनाने या और तैयार करके पोस्ट करने में भी कम से कम एक डेढ़ घंटा लगता ही है। प्लीज़ मेहनत को अप्रिशिएट किया करिए, कोई भी इंसान हो, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कहूंगी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दूसरे इंसान को सपोर्ट और मोटिवेशन दोनों ही मिलता रहे। हालांकि पिछले पेंडेमिक के टाइम से अब तक में
ऐसा हुआ है कि YouTube का जो हाल है बहुत ही खराब हो गया है, लोग देखते हैं और चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिए, मोटिवेशन जो है नहीं मिलता। साथ ही साथ इस बीच में इस चैनल मेरे वीडियोस के ऊपर मुझे बुली भी किया गया, मेरे चैनल पे भद्दे कमेंट किए गए, जो कि बाय गॉड ग्रेस की कुछ वर्ड्स मैंने ब्लॉक कर रखे हैं अपने चैनल से, तो वो अप्रूव में गए और वो कमेंट यहाँ पे पोस्ट नहीं हो पाए और लोगों को उन भद्दे कमेंट्स का सामना नहीं करना पड़ा। तो मैं अपने वीडियोस में अपने चैनल पे क्या दे रही हूँ इसकी जिम्मेदारी मेरी ही है, लेकिन लोग यहाँ पर आके क्या गंदगी कर रहे हैं उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। सीधा ये कर सकती हूँ कि मैं उन यूज़र्स को ब्लॉक कर दूँ, और मैंने उनको ब्लॉक किया, तो वो अब देख तो सकते हैं वीडियो और वो वीडियोस देख तो सकते हैं पर इस वीडियो पे कमेंट नहीं कर सकते। इसी तरह से जो जिन भी जिनके बारे में मैं बात कर रही थी वो आती हैं मेरे चैनल में, वीडियो देखती हैं और मेरे चैनल पे डिसलाइक मार के वो हमेशा गए। जब ये सारा कॉन्सेप्ट चल रहा था, जब जो उन्होंने चोरी की थी मेरे वीडियोज़ की, कॉन्सेप्ट की, मेरे नाम की, मेरे टैग की, तो बाकायदा मेरे चैनल पे वीडियो शुरू होते ही मेरे हर वीडियो के ऊपर शुरू होने के एक मिनट के अंदर अंदर ही डिसलाइक आ जाता था। प्रीमियर पे लगाया तो प्रीमियर पे डिसलाइक कर दिया। अगर आप प्रीमियर पे डिसलाइक कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े फैन हैं, यकीन मानिए, जब आप प्रीमियर लगने पर भी डिसलाइक करके चले जाते हैं। तो ये सब किया गया। अब आप ही बताइए, क्या इससे मॉरल डाउन नहीं होता? क्या जो इससे मोटिवेशन खत्म नहीं होता? तो मेरा मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं खत्म हुआ, और इसकी जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्होंने मेरा कॉन्सेप्ट चुराया और साथ ही साथ मेरे साथ में गलत किया, मेरे चैनल का नेम चुरा के, मेरे चैनल के टैग लगा के। आप टैग लगाइए, लेकिन उसको उस तरह से ही लगाना जैसे कि मैं लगा रही हूँ, मेरे नाम के साथ में लगाना, ये सब आपने गलत किया और आज भी वो लोग वही कर रहे हैं। तो जिनके पास चैनल है उनके पास सीधा है, आप लोगों के टैग जरूर चेक किया कीजिए कि किस तरह के टैग वो लगा रहे हैं। और आप अगर चेक करेंगे जाके सारे डेली एंजल गाइडेंस के वीडियोस में चेक कीजिए कि किस किस ने अपने चैनल्स पे वीडियोस में कौन कौन से टैग लगा रखे हैं, तो देखिए ये वीडियो सुनने के बाद सब लोग कितनी जल्दी अपने जो चैनल के टैग्स हैं कैसे चेक करेंगे। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि आपके सामने बात आनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हर जगह गंदगी नहीं है, गंदगी हर जगह है। जैसे बॉलीवुड की गंदगी सुशांत के जाने के बाद ही लोगों को समझ में आई, उसी तरह से टैरो कम्युनिटी के अंदर भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसी चीजें हैं जहां पे लोगों को भटकाया जाता है। ये भटकाव की स्थिति अच्छी नहीं। तो जो लोग भी यहाँ पर अभी तक जुड़े हुए हैं, मेरा आपसे यही कहना है और आपको यही बात मुझे बतानी थी कि मैं इस मोटिवेशन को अब ले नहीं पा रही हूँ कि मुझे डेली एंजल गाइडेंस का वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास मेरी जो भी एनर्जीज हैं वो उसके साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। मैं बहुत परेशान थी, तो कल रात को मैंने मेडिटेशन किया। मैं हमेशा मेडिटेशन रात के 3-4 बजे ही करती हूँ, और मैंने बहुत ज़्यादा प्रेयर करी कि मुझे शांत किया जाए, ताकि मैं क्योंकि ये बातें मैं आप लोगों से कहना नहीं चाहती थी, मैं आप लोगों तक ये बातें लाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे मन में यही बात आई कि आपको सच बताना जरूरी है। तो उसके लिए जब रात को मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो मुझको यही इंट्यूशंस आई और मुझको यही मैसेज आया। जो सबसे बड़ा मैसेज था वो यही कि कर्मा के रिजल्ट तो मिलते ही हैं, और जिसने भी ये किया है या जिन लोगों ने भी ये किया है, उनके कर्मा के रिजल्ट उनके सामने जरूर आएंगे, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब उनके कर्मा के रिजल्ट उनको मिले। तो मुझे कोई खुशी नहीं है कि कर्मा के रिजल्ट उनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ना मैं इस बात को देख रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ये नियम है, जो भी आप करते हैं उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो आपको भुगतने पड़ते हैं। चोरी तो चोरी ही है, चाहे आपने कैसी भी की हो और कौन सी भी की हो। तो खैर, ये ईश्वर का और उनके बीच का जो कर्मा है वो देखेंगे। माफ़ी मांगने से कर्मा नहीं सॉल्व होते, आपकी जो गलतियां होती हैं, आपकी जो, क्योंकि ये यही बात मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जो आप कॉन्शियस चॉइसेस करते हैं अपनी फ्री विल से, अपनी चॉइसेस आप बनाते हैं, आप क्या करना चूज करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने मेरा नाम जो है चुराना चूज किया, मेरे टैग चुराने चूज किए, तो बाकायदा वैसे ही लगाए जैसे कि उनका चैनल उनकी वीडियोज रैंक करे, उनके करे, क्योंकि उनके पास सब्सक्राइबर बेस ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, और वो हुआ भी। तो कल जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो मैंने अपने आप को शांत करने की, अपनी हीलिंग करने की प्रेयर करी, और वो हुई भी, और मुझे बहुत ही उसके बाद शांति का अनुभव हुआ, और बहुत ही एक फॉरगिवनेस वाली जो एनर्जी थी वो मेरे अंदर आई। मुझे यही कहा गया कि जो कुछ भी किसी ने करना चूज किया है वो उसके और ईश्वर के बीच का है कॉन्सेप्ट, आप उसको जाने दीजिए, अपने मन को आप मत दुखी कीजिए, आपकी हीलिंग की जा रही है और आप अपने पाथ पर आगे बढ़ते रहिए, लेकिन जो बात आप कहना चाहते हैं अपने सच को आप कहिए। जब मैं आपको यहाँ कहती हूँ अपनी ट्रुथ और इंटीग्रिटी के साथ आप चलिए, तो जब मुझे पता है कि मैं अपना ट्रुथ आपसे कह रही हूँ, तो मुझे इसे कहने में कोई भी झिझक महसूस नहीं हो रही। तो होप कि आप मेरी बात ये समझ रहे होंगे कि मैंने डेली एंजल गाइडेंस का वीडियो क्यों बनाना बंद किया। और आप लोगों से मैंने हमेशा ही ये एक्सपेक्टेशन रखी है, ये उम्मीद रखी है कि अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं या फिर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, तो कमेंट करा करिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप क्या देखना या सुनना चाहते हैं।
मैं आपको कभी भी ऐसी चीज नहीं दूंगी जो कि आपको भटकाएगी या भटकाव की स्थिति में रखेगी। मैं आगे आप लोगों के लिए अब वो वीडियोस लेकर आऊंगी जो कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। बहुत ही जल्दी मैं चैनल पे मेंबरशिप भी शुरू कर दूंगी ताकि कुछ स्पेसिफिक वीडियो उन लोगों को मिल सके जो कि सिर्फ इस तरह के वीडियोस ही देखना चाहते हैं और अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं। तो होप कि आप मुझे वहां पर भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी वो मेरे कॉन्सेप्ट में नहीं है। बहुत जल्दी मैं स्टार्ट नहीं करने वाली, लेकिन मैं जरूर करूंगी ताकि जो लोग भी कुछ सीखना चाहते हैं या फिर जिन लोगों की क्वेरीज होती हैं या जो लोग कुछ एजुकेशनल चाहते हैं, मैं उन लोगों को दे सकूं। मैं नहीं चाहती कि अब चीजें मेरी चोरी हों। तो होप कि आप मेरी इस बात को समझेंगे। मैंने पिछले 19-20 साल में बहुत कुछ सीखा है जो कि मैं आपको सिखा सकती हूं, लेकिन मैं उन्हीं को सिखाना चाहूंगी, उन्हीं को देना चाहूंगी जो कि इस चीज को समझेंगे, ना कि उसको चोरी कर आगे यूज करेंगे। तो होप कि आप मेरी इस बात को समझेंगे और मेरे वीडियोस को अपना प्यार, सपोर्ट, कमेंट, लाइक, शेयर देते रहेंगे। और इन सब बातों को सुनने के बाद अगर आप सिर्फ डेली एंजेलिक गाइडेंस वीडियो के लिए जुड़े हैं तो मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ आपसे कि मैं आपको वो वीडियो अब नहीं दे पाऊंगी। और मेरा मन नहीं है अगर आप मुझको जज करने लगे कि इनका तो ये हुआ और इन्होंने एकदम से बंद कर दिया अपने हिसाब से। नहीं, इस बात को ऐसे देखिएगा कि आपके लिए वो सिर्फ एक वीडियो था, मेरे लिए मेरा वो सपना था जो कि टूट गया। तो होप कि फिर आप इस बात को समझ पाए। तो इसी बात के साथ में इस बात को हम यहीं खत्म कर देते हैं और यहाँ की जो वाइब्रेशंस हैं उसको क्लीन कर लेते हैं। तो हम यहाँ की वाइब्रेशंस को क्लीन कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी हो गई है यहाँ पे, इस तरह की बातों से हो ही जाती है। तो मेरी यही प्रेयर है आप लोगों के लिए कि आप लोगों के जीवन से भी इसी तरह से नेगेटिविटी जाए और आपका प्यार, साथ और सहयोग यहाँ मुझे मिलता रहे। और जो लोग यहाँ पर मेरे साथ आखिर तक जुड़े हुए हैं, यहाँ पर हम करेंगे एक वन कार्ड पुल कीपर्स ऑफ द लाइट से कि वो हमको क्या मैसेज देना चाहते हैं, हमारे लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पे और हमें आगे क्या करना चाहिए। ओके, इसको यहाँ कर लेते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर कीपर्स ऑफ द लाइट सभी को क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो कीपर्स ऑफ द लाइट, आप यहाँ पे सभी को क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। मुझको भी आपकी गाइडेंस चाहिए और जो यहाँ पे सुन रहे हैं अभी तक उनको भी आपकी गाइडेंस चाहिए। सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। इससे खूबसूरत मैसेज और क्या हो सकता है न्यू स्टार्ट के लिए। तो प्रोटेक्टेड है हम यहाँ पर, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स थी उनको काट दिया गया है, ये बातें कहनी जरूरी थी। मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, तो हमको अपने आप को लिमिट में नहीं रखना था और डेली एंजेलिक गाइडेंस की वीडियोज के साथ में कहीं ना कहीं हम लिमिटेड हो गए थे। ट्रस्ट, तो हमें ट्रस्ट करना है कि हमारे लिए जो भी हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, इसी उम्मीद के साथ कि आपका प्यार, साथ और सहयोग मुझे हमेशा ही ऐसे मिलता रहेगा जैसे कि मिला है। आपका यहाँ होने के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।